ओके गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ जीन। द टॉपिक इज डी हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशंस। बिफोर क्लास वी हैव डन ऑफ द मोनोहाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशंस। हम लोग स्टडीज कर चुके हैं। टुडे हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ द डीहाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशंस। ठीक है, मोनोहाइब्रिड एंड डीहाइब्रिड की डेफिनेशंस लास्ट क्लास में मैंने आपको अंडरस्टूड करवाई थी कि मोनोहाइब्रिड का मीन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग्स ऑफ मोनोहाइब्रिड्स एंड व्हाट इज द मीन्स ऑफ डीहाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशंस। ठीक है, व्हेन वी आर यूजिंग ऑफ सिंगल कैरेक्टर्स अवर सिंगल जीन्स। ठीक है, जब हम लोग सिंगल जीन्स के बिहेव पे डिस्कस करते हैं, सिंगल जीन्स के या सिंगल कैरेक्टर्स अवर वन पेयर ऑफ एलील्स, वन पेयर ऑफ एलील्स के बिटवीन जब हम क्रॉस करवाते हैं तो दैट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड। ठीक है, और डीहाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन के अंदर वी हैव टू वर्क ऑन टू जीन्स। ठीक है, टू जीन का मीन हो गया टू कैरेक्टर। ओके, टू कैरेक्टर और टू कैरेक्टर्स का मीन हो गया फॉर एलेल। ठीक है, फॉर एलेल में टू डोमिनेंट एंड टू रेसेसिव। ठीक है, डी हाइब्रिड, डी मतलब डाई है, डाई का मीन होता है टू, हाइब्रिड का मीन है टू कैरेक्टर और हाइब्रिडाइजेशन का मीन होता है क्रॉस। इट्स मीन क्रॉस बिटवीन ऑफ द टू जीन्स ओवर टू कैरेक्टर्स ओवर फॉर एलील्स। ठीक है, टू कैरेक्टर्स के बिटवीन में क्रॉस करवाना, टू जीन्स के बिटवीन में क्रॉस करवाना या फोर एलील्स को लेके वर्क करना, इट्स कॉल्ड डीहाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन। ओके, सो मोनोहाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन स्टडीज किया, सेम डिक्टो होगा। डिफरेंसेस जो है, मोनोहाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ओनली सिंगल कैरेक्टर्स था, राइट? ठीक है, डीहाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन के अंदर टू कैरेक्टर्स वी हैव टू यूज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्रॉस अवर हाइब्रिडाइजेशन सिंगल मीन। ठीक है, फर्स्ट जीन। ओके, नाउ कैरेक्टर में फर्स्ट लिया द लेंथ ऑफ प्लांट और मे बी वी कैन चेंज कर सकते हैं हम लोग, नो प्रॉब्लम। सेवन पेयर्स ऑफ द पाइसम सेटाइवस। ठीक है, मेंडल ने पाइसम सेटाइवस के सेवन कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स पे वर्क किया था। एनी टू पेयर्स, आप कोई भी दो पेयर्स यू कैन यूज, आप यूज कर सकते हैं, बट लेंथ ऑफ प्लांट या आप यूज कर लीजिए। शेप ऑफ सीड। सेकेंड आप ले लीजिए शेप ऑफ सीड ले लीजिए और ले सेकेंड आप ले लीजिए कलर ऑफ सीड ले लीजिए कलर ऑफ सीड दोनों करेक्टर एक के ले लीजिए आप लोग, शेप ऑफ सीड एंड कलर ऑफ सीड। ठीक है, शेप ऑफ सीड एंड कलर ऑफ सीड। ठीक है, सेप ऑफ सीड के अंदर वो एक कैरेक्टर आ गए, वो एलिल्स कितने होंगे, वन कैरेक्टर टू एलिल्स, टू कैरेक्टर फोर एलिल।
ठीक है। तो यहां पर आएंगे एलिल, एलिल जो है डोमिनेंट एंड रिसेसिव, ओके, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। अब डोमिनेंट सबसे पहले सेप ऑफ सीड देखेंगे हम लोग, सेप ऑफ सीड, तो सेप ऑफ सीड एक कैरेक्टर है। सेप ऑफ सीड्स के टू एलिल्स होंगे, फर्स्ट राउंड जो उसका डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है, एंड रिंकल्ड, एंड रिंकल्ड, ठीक है, राउंड एंड रिंकल्ड। राउंड जो है इट इज द डोमिनेंट कैरेक्टर ऑफ द सेप ऑफ सीड्स, एंड रिंकल्ड जो है इट इज रेसेसिव एलिल्स ऑफ द सेप ऑफ सीड। ऐसे ही है कलर ऑफ सीड्स, कलर ऑफ सीड, तो कलर ऑफ सीड के अंदर येलो, राउंड एंड येलो, डोमिनेंट एंड ग्रीन, एंड ग्रीन, राउंड एंड, आप यहां आ जाए थोड़ा पीछे, रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड ग्रीन, राउंड एंड रिंकल्ड, दीज आर द एलिल्स ऑफ सेप ऑफ सीड्स, ठीक है, येलो एंड ग्रीन, दीज आर द एलिल्स ऑफ द कलर ऑफ सीड्स। डी हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम वर्कआउट करते हैं क्रॉस जो होगा बिटवीन ऑफ द टू कैरेक्टर्स ओवर टू जीन्स, बिटवीन ऑफ द टू कैरेक्टर्स एंड टू जीन्स, ठीक है। मोनो हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमने स्टडीज किया था वन जीन ओवर वन कैरेक्टर मीन टू एलील्स, ठीक है, वन जीन वन कैरेक्टर टू एलील्स, टू जीन टू कैरेक्टर फोर एलील्स, ठीक है, वन जीन वन कैरेक्टर टू एलील्स इट्स मीन मोनो हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन, टू जीन टू कैरेक्टर एंड फोर एलील्स इट्स मीन डी हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन, एंड मोर देन टू, मोर देन टू मीन थ्री फोर फाइव सिक्स, अब मल्टीप्लाई फॉर्म में आ जाएगा, थ्री जीन्स हैं देन कैरेक्टर्स थ्री हो जाएंगे, तो एलील्स सिक्स हो जाएंगे, एलील्स कितने हो जाएंगे सिक्स हो जाएंगे, देन फोर है तो फोर कैरेक्टर देन एलील्स एट हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड मल्टी एलिलिज्म, मल्टी एलिलिज्म बोल दीजिए आप लोग उसको, क्या बोल सकते हो, या पॉली हाइब्रिड्स बोल सकते हो, पॉली हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन, पॉली हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। वन जीन वी आर वर्किंग फॉर वन जीन, मोनो हाइब्रिड वी आर वर्किंग फॉर टू जीन्स, डी हाइब्रिड वी आर वर्किंग देन ऑफ, वी आर वर्किंग फॉर द देन ऑफ टू जीन्स, ठीक है, मोर देन टू जीन्स, मोर देन टू जीन्स इट्स मीन मल्टी एलिलिज्म ओवर पॉली हाइब्रिडाइजेशन, ओवर पॉली हाइब्रिडाइजेशन। सो टुडे वी आर वर्किंग फॉर डी हाइब्रिड क्रॉस, डी हाइब्रिड क्रॉस का मीन हो गया डबल, डबल का मीन हो गया टू जीन्स, जीन्स कितने हैं टू हैं, देन कैरेक्टर इज ऑल्सो टू, टू कैरेक्टर्स में हमने यूज किया शेप ऑफ सीड्स, कलर ऑफ सीड्स, मेंडल ने सेवन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर से वर्क किए थे, हम एनी टू, एनी टू पे वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। अब कैरेक्टर्स टू हैं तो एलिल्स कितने हो जाएंगे फोर हो जाएंगे, डोमिनेंट कितने होंगे टू, रिसेसिव टू, राइट यारो, ठीक है, टू आर डोमिनेंट्स एंड रिमेनिंग टू आर रिसेसिव, ठीक है। तो देन शेप ऑफ सीड्स इट्स अ कैरेक्टर, और कैरेक्टर्स कितने एलिल्स में डिवाइड है, टू एलिल्स में डिवाइड है, इट्स मीन वन इज डोमिनेंट एंड रिमेनिंग इज रिसेसिव, राउंड एंड रिंकल्ड, राउंड एंड रिंकल्ड, ठीक है, दीज आर द एलिल्स ऑफ द सेप ऑफ सीड्स, ठीक है। नाउ येलो एंड ग्रीन, येलो एंड ग्रीन दीज आर द एलिल्स फॉर द कलर ऑफ सीड्स, यानी टू कैरेक्टर्स बट एलिल्स आर फोर, बट एलिल्स आर फोर, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का डोमिनेंट, एंड देन राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन, दिस इज एफ जीरो जनरेशन, दिस इज एफ जीरो जनरेशन, ठीक है। राउट जीरो टाइप्स आप इसके राइट डाउन करेंगे, तो डोमिनेंट कैरेक्टर्स ऑलवेज राइट इन द कैपिटल लेटर, तो राउंड फोर कैपिटल आर, कैपिटल आर, ओके, येलो फोर कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई, ठीक है, फोर राउंड कैपिटल आर, कैपिटल आर, फोर येलो कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, फोर रिंकल्ड स्मॉल आर एंड ग्रीन फोर स्मॉल वाई, ठीक है। होमोजाइगस फॉर्म, दिस इज
होमोजाइगस फॉर्म. देखो बोथ द एलील्स आर इक्वल, बोथ द एलील्स आर इक्वल, बोथ द एलील्स आर इक्वल एंड बोथ द एलील्स आर इक्वल. व्हेन बोथ द एलील्स आर इक्वल इट्स कॉल्ड होमोजाइगस फॉर्म, इट्स कॉल्ड होमोजाइगस फॉर्म. ठीक है, तो ये हमारे पास एफ जीरो जनरेशन है. नाउ अब होगा मियोसिस. व्हाट इज सेम डिक्टो ऑफ मोनो हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन, डिक्टो ऑफ द मोनो हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन, नो चेंजेस. ठीक है, चेंजेस जो है वो है मोनो हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन के अंदर वन जीन टू एलील्स. ठीक है, बट दी हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन के अंदर टू जीन एंड फोर एलील्स, टू जीन एंड फोर एलील्स, टू आर डोमिनेंट एंड टू आर रिसेसिव. ठीक है, डोमिनेंट कैपिटल राइट्स में, कैपिटल लेटर्स में राइट होते हैं एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स ऑलवेज राइट इन द स्मॉल लेटर. ठीक है, एफ जीरो जनरेशंस ऑलवेज राइट इन द होमोजाइगस फॉर्म. व्हिच फॉर्म? होमोजाइगस फॉर्म. होमोजाइगस का मीन होता है कि बोथ द एलील्स आर इक्वल टू ईच अदर. व्हेन बोथ द एलील्स आर इक्वल टू ईच अदर देन इट्स कॉल्ड होमोजाइगस फॉर्म. आप चेक कीजिए, कैपिटल आर फॉर राउंड, कैपिटल वाई फॉर येलो, स्मॉल आर फॉर रिंकल्ड, स्मॉल वाई फॉर ग्रीन. ठीक है, तो आर आर वाई वाई आर आर वाई वाई, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर. नाउ मियोसिस, मियोसिस का मीन होता है गैमेट्स फॉर्मेशन, राइट, गैमेट फॉर्मेशन. ओके, अब गैमेट फॉर्मेशन के लिए डायरेक्ट आप यूज करेंगे इसको गैमेट्स के अंदर, यहां से एक कैपिटल आर आउट होगा एंड एक कैपिटल वाई हो जाएगा. ओके ठीक है, यहां से स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, दीज आर द गैमेट्स. ये क्या है? गैमेट्स बन गए आप लोगों के पास में. गैमेट्स हमेशा ऑलवेज 50%, गैमेट्स क्या होते हैं? 50, इट इज 50 कंपेयर ऑफ द पेरेंट्स. ठीक है, पेरेंट्स के कंपेयर में क्या होते हैं? 50% होते हैं ये. ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होंगे, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल इज 50 देन ऑफ पैरेंटल सेल्स. क्योंकि पैरेंटल सेल्स बाय द हेल्प ऑफ मियोसिस, मियोसिस का वर्क ही होता है डिप्लॉइड्स को हैप्लॉइड्स में कन्वर्ट करना, 2n को n में कन्वर्ट करना. 2n था, अब ये राइट टाइम 4n है, 2n एंड 2n. ठीक है, यहां से एक n आउट हो गया, देयर यहां से एक n आउट हो जाएगा, r एंड y, स्मॉल r एंड स्मॉल y. ठीक है, नाउ फ्यूजन, ये गैमेट फॉर्मेशन हो गया, दिस इज फ्यूजन. फ्यूजन का मीन होता है फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन, और ये हो गया आप लोगों का मियोसिस. अब फ्यूजन होगा तो कैपिटल r, स्मॉल r, कैपिटल y एंड स्मॉल y, दिस इज f1 जनरेशन. ठीक है, एंड F1 जनरेशन में ऑलवेज डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपीयर्स होते हैं. ऑलवेज क्या होते हैं? डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपीयर्स होते हैं. क्यों? क्योंकि F0 जनरेशन हम होमोजाइगस फॉर्म में लेते हैं. कौन सी फॉर्म में लेते हैं? होमोजाइगस फॉर्म में लेते हैं. ठीक है, और डोमिनेंट कैरेक्टर्स को अपीयर होने के लिए, फॉर द अपीयरिंग्स ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर्स ओनली नीड्स ऑफ सिंगल एलील, ओनली नीड्स ऑफ सिंगल एलील. मैंने आपको मोनो हाइब्रिड में बताया था कि कैपिटल आर, कैपिटल आर ये क्या है? प्योर राउंड है, राउंड है. ओके, बट कैपिटल आर स्मॉल आर ये भी राउंड है, दिस इज ऑल्सो राउंड, राउंड एंड राउंड. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफ देम? दिस इज प्योर, दिस इज प्योर मीन होमोजाइगस, मीन होमोजाइगस, बट दिस इज अनप्योर. अनप्योर का मीन होता है हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस, और हेट्रोजाइगस फॉर्म में भी कैपिटल लेटर ही डोमिनेंट होगा, कैपिटल लेटर ही डोमिनेंट होगा. और कैपिटल लेटर आर है, आर इट इज अ सिंबल ऑफ राउंड, इट्स मीन ऑल प्लांट्स आर राउंड, ऑल प्लांट्स आर राउंड. अगर इसको मैं ऑब्जर्व करता हूं तो राउंड है, और इसको ऑब्जर्व करता हूं तो येलो है. यानी कि 100% प्लांट्स, 100% हाइब्रिड जो है वो क्या है? राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो. F1 जनरेशन ऑलवेज.
ठीक है, when we are crossing between of the two homozygous parents, ठीक है, जब हम लोग two homozygous parents में crossing करवा रहे हैं, cross करवा रहे हैं, तो F1 generation always appear of the dominant character, but F1 generation कौन सी form में होगा? Heterozygous form में होगा. कौन सी form में होगा? Heterozygous. देखो क्या homozygous है, या तो small r भी है, small y भी है, present है, but अपने आप को appear नहीं करता. Recessive characters को appear होने के लिए pair की नहीं होगी. Recessive character small r में ही appear हो सकता है, small y में ही appear हो सकता है, pair form में, but यहाँ तो single है. डोमिनेंट कैरेक्टर पेयर में भी पॉसिबल है और सिंगल में भी पॉसिबल है, यस एंड नो, बट रिसेसिव कैरेक्टर्स के लिए पेयर मस्ट नीड होगा, ठीक है. और यहां पर F1 जनरेशंस में तो एवरीवन सिंगल है, तो R डोमिनेंट है, अपियर हो जाएगा, कैपिटल Y डोमिनेंट है, अपियर हो जाएगा, बट स्मॉल R एंड स्मॉल Y प्रेजेंस है, बॉडी में है, 50% फॉर्म में है, बट रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, अपीयर नहीं कर सकते हैं, विजुअल फॉर्म में नहीं आ सकते हैं, अनविजुअल फॉर्म में. कौन सी फॉर्म में है? अनविजुअल फॉर्म में प्रेजेंस होंगे, ठीक है. तो ध्यान रखें आप चीज कि जब भी होमोजाइगस ट्रेट्स जो होते हैं क्रॉस होते हैं, हाइब्रिडाइज होंगे, तो एफ1 जनरेशंस ऑलवेज जो है वो हेटरोजाइगस आएगा. कौन सा आएगा? हेटरोजाइगस आएगा, एंड डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपीयर्स होंगे. ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर विल अपीयर इन द एफ1 जनरेशन व्हेन क्रॉसिंग बिटवीन ऑफ द टू होमोजाइगस कैरेक्टर. जब दो होमोजाइगस कैरेक्टर्स में क्रॉस होगा, तो ध्यान रखें ओनली एफ1 जनरेशंस के अंदर डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपीयर्स होंगे. इज दैट क्लियर? तो ये हो गया आप लोगों का F0 to F1. अब नाउ हम बनाएंगे F1 से F2. क्या बनाएंगे? F1 से F2, क्योंकि फिनोटाइपिक रेशो और जीनोटाइपिक रेशो के लिए मुझे F2 जनरेशंस की नीड है. वी नीड्स ऑफ F2 जनरेशंस फॉर द फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशो. जीनोटाइपिक रेशो को फाइंड करना है, फिनोटाइपिक रेशो को फाइंड करना है, तो फाइंड करने के लिए मुझे वी नीड्स ऑफ द F2 जनरेशंस. और F2 जनरेशन जो फॉर्म होती है, डेवलप्ड होती है बाय द सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन. मोनोहाइब्रिड में भी हमने क्या कराया था? सेल्फिंग करवाया था. क्या करवाया था? सेल्फिंग, यानी कि उसका क्रॉस उसी के साथ, बोथ द पेरेंट्स आर इक्वल टू ईच अदर. यहां तो ये क्या है? दिस इज, इसको मैंने कहा मेल और इसको मैंने कहा फीमेल. भाई क्रॉस के लिए टू पेरेंट्स आर नीड. टू पेरेंट्स में वन इज मेल एंड सेकेंड इज फीमेल. वन क्या होगा? मेल होगा और सेकेंड क्या होगा? फीमेल होगा, ठीक है. तो दिस इज F0 टू F1 जनरेशंस, ठीक है. और F1 जनरेशंस में ऑल प्लांट्स क्रॉस होगा तो फोर जन मियोसिस है, तो डॉटर्स कितने बनेंगे? फोर बनेंगे. बट फोर कौन से बनेंगे? ये बनेंगे. फोर कौन से बनेंगे? यही सेम बनता है. होमोजाइगस ट्रेट्स में क्रॉस होता है तो F1 जनरेशंस में ऑल प्लांट्स आर इक्वल टू ईच अदर. ऑल प्लांट्स आर इक्वल टू ईच अदर. लर्न रखें इस चीज को आप लोग, ठीक है. तो दिस इज द F1 जनरेशन. ये क्या हो गया? F1. नाउ F1 से F2 की ओर मूव करेंगे. तो नाउ वी हैव R, R, Y and Y. इसको हम इरेज करते हैं. इट्स नॉट टफ. क्रॉस जो है प्रैक्टिस के थ्रू इजी हो जाते हैं. प्रैक्टिस करें, वन टाइम नहीं, टू टाइम नहीं, थ्री टाइम नहीं, फोर टाइम प्रैक्टिस करें, ठीक है. नाउ वी हैव F1 जनरेशंस. व्हाट इज? कैपिटल R, स्मॉल R, राइट ना? कैपिटल R, स्मॉल R, कैपिटल Y और स्मॉल Y, राइट? यही है मेरे पास में, ठीक है. इसमें हम क्या कराएंगे? सेल्फिंग. सेल्फिंग का मैंने बताया था आप लोगों को, डिक्रीज एरो, नीचे गिरता हुआ एरो जो है सेल्फिंग बोल दीजिए. और वी कैन यूज ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन. वी कैन यूज ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ फर्टिलाइजिंग बोल दीजिए, सेल्फिंग बोल दीजिए, सेल्फ फर्टिलाइजिंग, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है. मीन हो गया कि बोथ द मेल एंड फीमेल, बोथ द पेरेंट्स आर इक्वल टू ईच अदर. दोनों पेरेंट्स इक्वल होंगे, ठीक है. तो नाउ पहले तो मैं इसके गैमेट्स बनाता हूं. पहले मैं एक पुन्नेट साइकिल बना देता हूं. फोर है, किससे क्रॉस कर रहे हैं ये? आर, आर, वाई एंड वाई. यहां भी फोर है, यहां भी फोर है. फोर मल्टीप्लाई फोर कितनी बनेंगी?
F2 जनरेशन में हमारे पास हाइब्रिड जो होंगे वो होंगे 16, तो मुझे 16 बॉक्स की नीड है, वी नीड ऑफ 16 बॉक्स। पहले तो वन टू थ्री, वन टू थ्री एंड फोर, राइट, वन टू थ्री एंड फोर, थ्री एंड फोर ये मेरे पास में बन गया। यहां पर हम एरो बना लेते हैं, दिस इज फॉर मेल एंड दिस इज फॉर फीमेल, ठीक है। मेल क्या है, सेम आर आर वाई एंड वाई, और ये क्या हो गया, मेल हो गया, फीमेल हो गया, और ये क्या हो गया आपके पास में, मेल हो गया, मेल कौन सा हो गया आपके पास में, आर आर वाई वाई एंड वाई, ओके ये हो गया। अब मुझे नीड्स, पहले गैमेट्स बनाने हैं, इसके मुझे गैमेट्स बनाने हैं, चार गैमेट्स बनेंगे, कितने गैमेट्स बनेंगे, फोर गैमेट्स, ठीक है, एंड देयर आल्सो फोर गैमेट्स। अब गैमेट्स कैसे बनाएंगे आप लोग, गैमेट्स के लिए मैं आपको बता दूं कैसे गैमेट्स बनते हैं हमेशा, जैसे आपके पास में आर आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है, ठीक है। अभी देखिए आप, ये दोनों और ये दोनों, राइट, बहुत डिफरेंट ना, दीज आर द, ये किसके हैं, फोर राउंड एंड येलो एंड राउंड एंड रिंकल्ड एंड येलो एंड ग्रीन, राइट या रॉन्ग, ठीक है। तो क्रॉस किस में करवाना आप लोगों को, आपको क्रॉस कराना इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, आपस में इंटर क्रॉस करवाना है आप लोगों को, सेम में नहीं करना, इंटर क्रॉस करना है, तो आप सेपरेट कर लीजिए आप इनको, आर आर वाई एंड वाई, ठीक है। कैपिटल आर क्रॉस विद द कैपिटल वाई, तो आर एंड वाई फर्स्ट गैमेट, देन कैपिटल आर क्रॉस विद द स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई सेकेंड गैमेट, हो गया ऐसा काम। देन नाउ रिमेनिंग इज स्मॉल आर, स्मॉल आर क्रॉस विद द कैपिटल वाई, तो सो स्मॉल आर कैपिटल वाई, देन स्मॉल आर क्रॉस विद द स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये फोर गैमेट्स बन गए। तो कभी भी डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर गैमेट्स बनाए फॉर एफ टू जनरेशन के लिए, तो वी हैव एफ वन जनरेशन में फोर गैमेट्स आपके पास में है, वन टू थ्री एंड फोर, अभी फोर इंटरक्रॉस होंगे, तो इंटरक्रॉस जो होता है वो डिफरेंट जीन्स होंगे, इंटरक्रॉस जो होगा बिटवीन ऑफ द डिफरेंट जीन्स, बिटवीन ऑफ द डिफरेंट जीन्स होगा, आर आर कैपिटल वाई और वाई, यानी कि ये दोनों इसके साथ क्रॉस करेंगे, तो पहले कैपिटल आर का नंबर होगा, कैपिटल आर क्रॉस विद द कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, देन कैपिटल आर क्रॉस विद द स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, देन स्मॉल आर क्रॉस विद द कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर क्रॉस विद द स्मॉल वाई। तो गैमेट्स क्या बने आपके पास में, आर वाई आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अब नाउ वी नो कि ये जो है जनरेशंस क्या थी, आर आर y and y, yes and no, same generation is male या female, जो भी है male and female both are equal to each other, so gametes are also equal to each other, तो gametes same होंगे, r y r small y capital y small y small y small r small y, right या wrong। अब cross करना है आप लोगों को, inter cross करवाने, यानी first number, this is first number, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फोर्थ फर्स्ट नंबर, ये जो फोर चैम्बर्स आपको फोर ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं फर्स्ट नंबर के लिए है, देन सेकेंड नंबर, देन फोर्थ, थर्ड एंड देन फोर्थ, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर में पहले क्रॉस होगा इसका इसके साथ, देन कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, राइट, ओके, क्रॉस फर्स्ट एंड फर्स्ट, देन फर्स्ट एंड सेकेंड, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राइट या रॉन्ग भाई, क्रॉस ये हो गया, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड नंबर, दिस इज थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर,
फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर. नाउ फर्स्ट क्रॉस फर्स्ट, फर्स्ट क्रॉस सेकेंड, फर्स्ट क्रॉस थर्ड, फर्स्ट क्रॉस फोर्थ. ठीक है, फर्स्ट एंड फर्स्ट क्रॉस हो गया, देन फर्स्ट क्रॉस सेकेंड, कैपिटल आर कैपिटल आई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राइट. नाउ फर्स्ट एंड थर्ड, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, राइट. ठीक है, नाउ फर्स्ट मल्टीप्लाई फोर्थ, नाउ कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये मल्टीप्लाई हो गया. ऐसे ही सेम आपको तीनों को मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, फर्स्ट एंड फर्स्ट, फर्स्ट मल्टीप्लाई टू, फर्स्ट मल्टीप्लाई थ्री, फर्स्ट मल्टीप्लाई फोर, सॉरी फर्स्ट नहीं आएगा, अब आएगा सेकेंड, सेकेंड मल्टीप्लाई वन, सेकेंड मल्टीप्लाई टू, सेकेंड मल्टीप्लाई थ्री, सेकेंड मल्टीप्लाई फोर. नाउ तो सेकेंड मल्टीप्लाई वन, सेकेंड तो ये है, वन ये रहा, तो कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई. नाउ सेकेंड टू सेकेंड, सेकेंड टू सेकेंड, कैपिटल आर कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई. सेकेंड टू थर्ड, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, चेकआउट कीजिए आप लोग. देन सेकेंड टू फोर्थ, तो ना कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई. ओके, ना अभी मेरे पास क्या रह गया, थर्ड, थर्ड मल्टीप्लाई वन, थर्ड मल्टीप्लाई टू, थर्ड मल्टीप्लाई थ्री और थर्ड मल्टीप्लाई फोर. नाउ कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई. ओके, नाउ फर्स्ट फोर्थ मल्टीप्लाई फर्स्ट, फोर्थ मल्टीप्लाई टू, फोर्थ मल्टीप्लाई थ्री, फोर्थ मल्टीप्लाई फोर. ठीक है, तो फोर्थ कौन सा, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. ठीक है, नाउ सेकेंड कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई. नाउ स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. ठीक है, एंड फोर्थ वन स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई. ये आप लोगों के पास में एक्ट टू जनरेशन आ गया. दिस इज एक्ट टू जनरेशन. काउंट कीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन एंड सिक्सटीन. वी हैव 16 hybrids in F2 generation, which is produced by the self-fertilizing of F1 generation. F1 generation के self-fertilizing से हमारे पास 16 hybrids हैं. अब 16 hybrids का हम phenotypic ratio find करेंगे and then after genotypes. ठीक है, genotype इतना must नहीं है, but for knowledge, ठीक है, we have to find of the genotype. टाइप आल्सो, तो फिनोटाइप तो इजी है. फिनोटाइप तो क्या होता है, आउटर एपीयरेंस, मॉर्फोलॉजिकल एपीयरेंस ऑफ एनी प्लांट्स, मॉर्फोलॉजिकल एपीयरेंस ऑफ एनी प्लांट्स, इट्स कॉल्ड फिनोटाइप्स, इट्स कॉल्ड फिनोटाइप्स. फिनोटाइप का मीन हो गया किसी भी प्लांट को आउटर बिहेव पे ऑब्जर्व करना. दिस इज टॉल, दिस इज ग्रे, दिस इज ब्लैक, दिस इज प्रिटी, जो भी आप वर्ड यूज कर सकते हो बाहर के आधार पर. दिस इज ग्रीन इन कलर, आपको दिख रहा है लीफ का कलर ग्रीन है, क्यों है आई डोंट नो, बट ग्रीन है मॉर्फोलॉजिकल बिहेव पे. दिस इज फिनोटाइपिक कैरेक्टर. वो कौन सा कैरेक्टर हो गया, उसका फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स हो गया. टॉल है, ड्वार्फ है, सीड राउंड है, रिंकल्ड है, फ्लावर एक्सिलरी है या टर्मिनल है, ये हम लोग आउटर बिहेव पे बता सकते हैं. वी कैन ऑब्जर्व ऑन द बिहेव ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एपीयरेंस, आउटर फीचर, एक्सटर्नल फीचर. ठीक है, कोई भी आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आउटर बिहेव पे फिनोटाइप्स आता है. और इंटरनल स्टडीज जब हम देखते हैं, जीन्स को हम लोग देखते हैं, एलील्स को हम ऑब्जर्व करते हैं कि क्या दोनों एलील्स इक्वल है,
होमोजाइगस फॉर्म में है कि हेट्रोजाइगस फॉर्म में है। तो ध्यान रखना, डोमिनेंट कैरेक्टर्स होमोजाइगस में भी अपियर होता है और हेट्रोजाइगस फॉर्म में भी अपियर होगा। तो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट ऑफ द फिनोटाइपिक कैरेक्टर, ठीक है। तो फिनोटाइपिक कैरेक्टर को आप देखिए, आ जाओ, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, राउंड येलो, यस, दोनों कैपिटल में है, राउंड येलो कैपिटल वाई है। डोमिनेंट के लिए सिंगल एंड डबल नो प्रॉब्लम, कैपिटल आर है मीन राउंड, कैपिटल वाई है मीन येलो, कैपिटल आर है मीन राउंड, कैपिटल वाई है मीन येलो, मीन येलो, ठीक है। आ जाए, कैपिटल आर है मीन राउंड, कैपिटल वाई है मीन येलो, कैपिटल आर है मीन राउंड, बट कैपिटल वाई नहीं है, बहुत आर स्मॉल वाई, बहुत आर स्मॉल वाई। तो वाई किसका था? रिंकल्ड, राउंड एंड रिंकल्ड। यहां देखिए, कैपिटल आर है मीन राउंड, प्योर इंपोर का इफेक्ट आएगा ओनली। कैपिटल वाई है मीन येलो, कैपिटल आर है मीन राउंड, स्मॉल वाई है मीन रिंकल्ड, स्मॉल स्मॉल वाई है मीन रिंकल्ड हो गया, राइट। नीचे आ जाइए, कैपिटल आर है मीन राउंड, कैपिटल वाई है येलो, ओके, कैपिटल आर है मीन राउंड, कैपिटल वाई है मीन येलो, दोनों स्मॉल आर है मीन ग्रीन, कैपिटल वाई है मीन येलो, सॉरी आर ग्रीन हो गया और कैपिटल वाई क्या हो गया, राउंड येलो, ठीक है। ये कैसे हुआ, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई, लिख ले दीजिए आप एक बार, आर आर वाई वाई आर आर वाई वाई, ये है राउंड येलो एंड ग्रीन रिंकल्ड ग्रीन, सॉरी ग्रीन थोड़ी होगा, रिंकल्ड, डबल आर है मीन रिंकल्ड, एंड कैपिटल वाई का मीन क्या हो गया, येलो, स्मॉल आर मीन रिंकल्ड, मीन रिंकल्ड, कैपिटल वाई है मीन येलो, ठीक है, कैपिटल आर है राउंड, कैपिटल वाई है येलो, ठीक है, कैपिटल आर है मीन राउंड, स्मॉल वाई है तो स्मॉल वाई वाई क्या है, ग्रीन, स्मॉल आर आर है मीन रिंकल्ड। एंड ध्यान रखना, रिसेसिव कैरेक्टर ओनली पेयर में आएगा, किस में आएगा, पेयर में आएगा, कैपिटल वाई है मीन येलो, ठीक है, एंड देन बोथ द स्मॉल रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन। अब आप काउंट कीजिए, राउंड येलो वन, राउंड येलो टू, राउंड येलो थ्री, राउंड येलो फोर, राउंड येलो फाइव, राउंड ये नहीं है, राउंड येलो सिक्स ये भी नहीं है, राउंड येलो सेवन, राउंड येलो एट ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, राउंड येलो नाइन, राउंड ग्रीन रिंकल ग्रीन, यानी कि राउंड एंड येलो, यहां लिखते हैं हम लोग,
राउंड येलो, ये कितने आ रहे हैं हमारे पास में, नाइन आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, नाइन आ रहे हैं। ठीक है, नाइन में कौन कौन से हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव, ये नहीं है, सिक्स सेवन एट एंड नाइन, नाइन हो गए। अभी वी हैव सेवन करेक्टर्स, अभी हमारे पास सेवन है। सेवन में कौन कौन से हैं, राउंड रिंकल्ड वन, राउंड रिंकल्ड टू, ठीक है, और है राउंड रिंकल्ड, राउंड रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, वन टू, और तो ऊपर तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये राउंड येलो हो गया, ये हो गया रिंकल्ड येलो वन, रिंकल्ड येलो टू, रिंकल्ड येलो थ्री, राउंड एंड स्मॉल वाई, स्मॉल वाई ग्रीन, ये एक ही है वन। रिंकल्ड येलो कौन कौन से हो रहे हैं, वन टू थ्री, वन एंड टू, इनके सिंबल्स अलग बना लीजिए, आपको कंफ्यूज नहीं होगा। रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन है ही, इसको आप, ये तो एक ही है, इसमें बना लीजिए। ठीक है, अपन बना लेते हैं राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन, दो तो ये है ही, और जो आएंगे आप लोगों के पास में वन। ठीक है, दो जो जड्डेस आएगी वो अपोजिट आएगी, राउंड किसके साथ जाएगा, राउंड एंड रिंकल्ड दोनों साथ साथ है, तो राउंड जाएगा किसके साथ, ग्रीन के साथ, और रिंकल जाएगा येलो के साथ, तो थर्ड वन क्या हो गया, राउंड ग्रीन। ठीक है, ये गलत दिख दिया अपन लोगों ने, ये रिंकल थोड़ी आएगा, ये तो ग्रीन है, राउंड ग्रीन, ये भी क्या है, ग्रीन है। ओके, राउंड ग्रीन, इसके तीन आएंगे, और क्या बचा, राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड येलो, इसके भी कितने आएंगे, तीन, टोटल कितने हो जाएंगे, 16, ध्यान रखना, नाइन राउंड एंड येलो। ठीक है, वन आएगा रिंकल्ड एंड ग्रीन लास्ट में है, और तीन तीन कौन आएंगे, इंटरक्रॉस जाएंगे, जो सिक्स जो बच गए मेरे पास में वो इंटरक्रॉस जाएंगे। राउंड किसके साथ जाएगा, राउंड और रिंकल्ड तो एक ही है, राउंड एंड रिंकल्ड, राउंड डोमिनेंट है, रिंकल्ड एक ही करेक्टर का रेसेसिव है, तो राउंड सेकंड करेक्टर के रेसेसिव के पास जाएगा और येलो सेकंड करेक्टर के रेसेसिव के पास जाएगा, यानी कि राउंड गया किसके साथ, ग्रीन, ग्रीन किसके साथ था, येलो के साथ था, ग्रीन एंड येलो बोथ द एलील्स ऑफ सिंगल करेक्टर्स, राउंड एंड रिंकल्ड बोथ द एलील्स ऑफ सिंगल कैरेक्टर, तो दोनों कैरेक्टर्स के आपस में इंटरक्रॉस करेंगे, ये वन डोमिनेंट वन रेसेसिव, वन डोमिनेंट वन रेसेसिव, तो राउंड किसके साथ गया, ग्रीन के साथ गया, और रिंकल्ड किसके साथ गया, येलो के साथ गया, तो तीन कौन से हो गए, राउंड ग्रीन, और तीन कौन से हो गए, रिंकल्ड ग्रीन, तो रिंकल्ड ग्रीन राउंड ग्रीन कौन से हैं, ये हैं, ए वन टू एंड थ्री, है कि नहीं है, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन और राउंड ग्रीन, तीन हो गए, ऐसे रिंकल्ड ग्रीन तीन है, वन टू, सॉरी रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो वन टू एंड थ्री, ठीक है, एंड वन इज रिंकल्ड ग्रीन, यानी सिक्स जो जनरेशन बनती है, सॉरी 16 जनरेशन बनेंगी, 16 जनरेशन जो है वो फोर में आती है, वन राउंड एंड येलो जो नाइन है, रिंकल्ड एंड ग्रीन जो वन है, लास्ट में देखिए आप लोग, रिंकल्ड एंड ग्रीन रेसेसिव है,
फॉर रिंकल स्मॉल आर स्मॉल वाई, फॉर ग्रीन स्मॉल वाई, ठीक है। राउंड एंड ग्रीन, राउंड एक कैरेक्टर का है, ग्रीन सेकंड कैरेक्टर का रेसेसिव होगा। ऐसे ही येलो एक कैरेक्टर का डोमिनेंट है, रिंकल सेकंड कैरेक्टर का रेसेसिव होगा। आपस में इंटरक्रॉस करते हैं, आपस में क्या करते हैं, इंटरक्रॉस कर रहे हैं। ये तो हमने लिया था ना, राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन, डोमिनेंट एंड रेसेसिव। तो 10 तो इसके बनते हैं, रिमेनिंग 6 जो बनते हैं वो इंटरक्रॉस के बनते हैं। वो किसके बनते हैं, इंटरक्रॉस के बनते हैं। राउंड ग्रीन के साथ चला जाता है, येलो रिंकल्ड के साथ आ जाएगा। किसके साथ आ जाएगा, येलो रिंकल्ड के साथ आ जाएगा। तो राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो। तो ऐसे मेरे पास में टोटल कितनी जनरेशन आ गई, 16 जनरेशन आ गई। कितनी जनरेशन आ गई मेरे पास में, वी हैव 16 जनरेशन इन एप टू जनरेशन, यानी एप टू जनरेशन के अंदर जो आता है मेरे पास कितना आता है, 16। तो फिनोटाइपिक ये मैंने सब बाहर से देखा है, आउटर लुक में देखा है। क्या टोटल राउंड येलो होमोजाइगस है, नहीं, हेट्रोजाइगस भी है और होमोजाइगस भी है, हेट्रोजाइगस भी है और होमोजाइगस भी है। एक सिंगल वन होमोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस फॉर्म में है, और ये भी कौन सी फॉर्म में है, हेट्रोजाइगस फॉर्म में होगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। तो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं जीनोटाइप्स में। अभी मुझे पता है 9 राउंड एंड येलो, 1 रिंकल्ड एंड ग्रीन, 3 राउंड एंड ग्रीन, 3 रिंकल्ड एंड येलो। तो 16 टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है, वी आर गेटिंग इन एफ टू जनरेशन, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ द सेल्फिंग ऑफ एफ वन जनरेशन। जब एफ वन जनरेशन के अंदर सेल्फ फर्टिलाइजिंग करवाते हैं, सेल्फिंग होता है, तो हमारे पास वी हैव 16 जनरेशन इन एफ टू जनरेशन, एफ टू जनरेशन 16 हाइब्रिड्स इन एफ टू जनरेशन। एफ टू जनरेशन के लिए 16 हाइब्रिड्स मेरे पास होंगे, ठीक है। अब 16 हाइब्रिड्स जो होंगे वो 4 फेजेस में होंगे, 2 फेजेस तो वी हैव राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये तो मैंने होमोजाइगस फॉर्म में लिया था एफ वन जनरेशन के अंदर। जो रिमेनिंग टू वी आर गेटिंग, 1 राउंड एंड ग्रीन, दिस इज द इंटरक्रॉस बिटवीन ऑफ टू क्रॉस, रिंकल्ड एंड येलो, दिस इज ऑल्सो इंटरक्रॉस ऑफ द टू कैरेक्टर्स, ठीक है। तो जो 6 हाइब्रिड्स वी आर गेटिंग, हम जो ले रहे हैं वो इंटरक्रॉस से ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं, इंटरक्रॉस से। राउंड किसके साथ गया, ग्रीन के साथ गया, और येलो किसके साथ आया, रिंकल्ड के भी तरह आ गया। तो राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो, ठीक है। तो वी आर गेटिंग 16 प्लांट्स, ठीक है, और 16 प्लांट्स का जो फिनोटाइप है, 16 प्लांट्स का जो फिनोटाइप है वो मेरे पास आ रहा है 9:3:1। 9 कौन है, राउंड एंड येलो, 3 कौन है, राउंड एंड ग्रीन, 3 कौन है, रिंकल्ड एंड येलो, एंड 1 कौन है, रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो वी आर गेटिंग 16 प्लांट्स, 16 हाइब्रिड्स इन द एफ टू जनरेशन। एफ टू जनरेशन के अंदर हम लोग 16 हाइब्रिड्स ऑप्टेन कर रहे हैं, राइट या रॉन्ग। तो 16 हाइब्रिड्स का जो फिनोटाइप्स है वो आपके पास में है 9:3:3:1, ठीक है। टुडे इज सफिशियंट। जीनोटाइप्स जो है वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर जीनोटाइप्स कैसे फाउंड करते हैं, ठीक है। आवर द फाइंड्स ऑफ जीनोटाइपिक रेशियो इन द एफ टू जनरेशन, एफ टू जनरेशन के अंदर जीनोटाइप रेशियो को कैसे फाइंड किया जाता है, वी विल डिस्कस इन द लास्ट क्लास, सॉरी नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ अगेन आई एम सेइंग, यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग ऑफ द टॉपिक, आपको किसी भी टॉपिक के बिहोप पे कोई भी प्रॉब्लम्स है, यू कैन डिस्कस, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं विथ माई पर्सनल व्हाट्सअप नंबर, ठीक है। और कोई भी स्टूडेंट ग्रुप में डिस्कशंस नहीं करेगा, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बच्चा हो, वो किसी भी ग्रुप के अंदर अपने चैट्स को डिस्कस नहीं करेगा। एनी प्रॉब्लम्स आप टीचर के पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पर डिस्कस कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप कंप्लेंट डाल सकते हैं, बीके सर के व्हाट्सअप नंबर पर आप कंप्लेंट पुट कर सकते हैं, सोनिका मैम के व्हाट्सअप पर डाल सकते हैं, बट पर्सनल जो भी ग्रुप हमने बना रखे हैं उन ग्रुप के ऊपर कोई भी स्टूडेंट्स अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच।